यूपी के लखनऊ से खबर बता दें आपको, परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद के बेटे अली हसन की मौत हो गई है। कानपुर के एक अस्पताल में ऑक्सीजन हटाने के बाद उनकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि 4 घंटे ऑक्सीजन लगाकर हटा दी गई, परिजन गिड़गिड़ाते रहे। अब्दुल हमीद की शहादत का भी हवाला दिया, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने एक ना सुनी, टेस्ट भी नहीं कराया। 1965 के भारत पाक युद्ध के महानायक थे अब्दुल हमीद। अमेरिकन पैटर्न टैंक को कब्रिस्तान उन्होंने बना दिया था। हमीद के बेटे की इस तरह की मौत पर मीडिया में भी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। अब्दुल हमीद के जो बेटे हैं उनकी यहां पर मौत हो गई है, और कहीं ना कहीं हॉस्पिटल प्रशासन की जो लापरवाही है वो यहां पर साफ तौर पर नजर आ रही है। यूपी के लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता दें, परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद के बेटे अली हसन की मौत हो गई है। कानपुर के एक अस्पताल में ऑक्सीजन हटाने के बाद उनकी मौत हो गई। परिजनों ने यहां पर डॉक्टर पर, हॉस्पिटल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप भी लगाए हैं। चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी अमरीश इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमरीश, एक बहुत ही जिसको कहना चाहिए कि एक झकझोर देने वाली ये खबर है, और हॉस्पिटल प्रशासन की जो लापरवाही है वो भी यहाँ पर सामने आ रही है। जी बिल्कुल अमित, जिस तरीके से बता दें कि वीर अब्दुल हमीद जिन्होंने अपनी शहादत दे दी देश के लिए, आज उनके ही पुत्र को जब जरूरत पड़ी ऑक्सीजन की, तो शायद उत्तर प्रदेश सरकार के हैलट हॉस्पिटल के पास ऑक्सीजन इतनी नहीं थी कि वो एक वीर के पुत्र को बचा सके। एक वरिष्ठ पुत्र उनके, दूसरे नंबर के पुत्र थे अली हसन साहब, जिनको गुरुवार को एडमिट कराया गया था हैलेट हॉस्पिटल में जी। और वहां पे थोड़ी देर के लिए तो उनको ऑक्सीजन उपलब्ध कराई गई, लेकिन थोड़ी देर बाद ऑक्सीजन खत्म होने का हवाला देते हुए उनसे ऑक्सीजन हटा लिया गया। और ऑक्सीजन हटाते ही परिजन गुहार लगाते रहे कि ऑक्सीजन हटाते ही उनकी जान फिर से उसी तरीके से खतरे में आ गई, लेकिन डॉक्टरों ने नहीं सुना। और परिजनों के अनुसार जब उन्होंने ये बताया कि ये वीर अब्दुल हमीद जी के पुत्र है, तो शायद डॉक्टरों को ये भी नहीं पता था कि वीर अब्दुल हमीद जी कौन थे। बहुत ही शर्मनाक वाक्य है ये, और उत्तर प्रदेश सरकार को जरूर इस पर सख्ती दिखाने की जरूरत है कि जब जरूरत पड़ रही है तो सरकार के पास शायद ऑक्सीजन कमी के चलते हम अपने ऐसे लोगों की शहादत को भी शायद नमन नहीं कर पा रहे हैं, और एक असंवेदनशील घटना को अंजाम दिया जा रहा है। अमित, चलिए इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा ये होता है कि यहाँ पर अब्दुल हमीद की शहादत के बारे में यहाँ पर बताते रहे उनके परिजन, लेकिन यहाँ पर जो नर्सिंग स्टाफ था, वहाँ पर जो डॉक्टर थे, उनका दिल नहीं पसीजा। सबसे बड़ी विडंबना है कि अब्दुल हमीद कौन है इस बारे में उनको यही नहीं पता है। ये महानायक के बारे में उन्हें नहीं पता, डॉक्टरों को, हॉस्पिटल प्रशासन को। बड़ी दुखद खबर है ये। तो कानपुर के एक अस्पताल में ऑक्सीजन हटाने के बाद उनकी यहां पर मौत हुई है। तो चलिए, हमारे साथ इस वक्त एवन टीवी के चैनल हेड और राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल जी, बड़ी विडंबना है कि अब्दुल हमीद कौन है इस बारे में भी डॉक्टर्स को नहीं पता है, मेडिकल स्टाफ को भी नहीं पता है। परिजन गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं सुना और उनके बेटे की यहां पर मौत हो गई। देखिए, उत्तर प्रदेश में जहां एक दुष्टों की सरकार है और राष्ट्रवाद होती है, नागर देखिए जो चुनाव होते हैं जी, वहां पर शायद 2 दिन पहले ये आदेश निकाला गया है कि ऑक्सीजन देने की भी सरकार स्वीकृति देनी पड़ेगी या समय सीमा सरकार तय करेगी। मुझे नहीं पता कि ऑक्सीजन अब्दुल हमीद के बेटे की हटाएगी, वो उसकी नियम के तहत हटाई गई है या कैसे हटाई गई है, अस्पताल वाले बता सकते हैं। और अब्दुल हमीद कौन है ये वो नहीं जानते, ये उनका अपराध नहीं है, देश के उन हुक्मरानों का अपराध है जो देशभक्तों की बात तो करते हैं पर देशभक्तों के बारे में नई पीढ़ी को नहीं करते, या देशभक्ति का नारा देने वालों की चर्चा होती है प्रतीक घोषों की, लेकिन शहादत देने वालों की चर्चा नहीं होती। मैं समझता हूँ आजाद भारत के इतिहास में अगर कोई सबसे वीर हुआ है सेना में, सबसे बड़ा परमवीर चक्र विजेता
जो सर्वोच्च सम्मान है सैनिक के लिए वो अब्दुल हमीद थे। और नई पीढ़ी को खासतौर पर जानना चाहिए, 1963 का भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा था जी, खेमकरण सेक्टर जो पश्चिमी सीमा पर है वहां पर एक अकेले योद्धा ने अब्दुल हमीद ने 8 पेटेंट टैंक उड़ा दिए थे। उस वक्त दुनिया में पेटेंट टैंक को अजय माना जाता था जी, और पाकिस्तान जब भारत से लड़ रहा था पेटेंट टैंकों के और अमेरिकी जेट विमानों के सहारे, तब वो निश्चिंत था कि इन पेटेंट टैंकों का कोई तोड़ भारत के पास नहीं। लेकिन अब्दुल हमीद हथगोला लेके कूदे और उसने एक के बाद एक 7 पेटेंट टैंकों की कब्र बना दी खेमकरण सेक्टर में। और 8वां टैंक जब वो उठाने गए तो उनको उड़ा दिया गया और उसके साथ वो उड़ गया। तो उनके पास एक गन थी जिसे टैंक बेदी गन कहते और हथगोले थे, उनके आधार पर उन्होंने 8 पेटेंट टैंक जो दुनिया में अजय माने जाते थे जी, उनको एक दिन में ध्वस्त किया और इसीलिए उनको परमवीर चक्र मिला। और राजस्थान के नहीं भारत के इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में ऐसा सैनिक जिसने एक साथ एक दिन में 8 सैनिक 8 टैंक उड़ाए हुए अमेरिकन टैंक जी, अजय टैंक, ऐसा दूसरा नहीं हुआ। बहुत अफसोस की बात है कि उनके बेटे को जो खुद एक सैनिक थे सेना में काम करके आए उनको ऑक्सीजन हटा दी गई और बताने पर कि एक परमवीर चक्र विजेता का बेटा है फिर भी ऑक्सीजन नहीं सही लगाई गई और उनका डेथ हो गई। हम ये नहीं जानते कि डेथ ऑक्सीजन हटने की वजह से हुई, कोरोना था नहीं था, इसका टेस्ट भी नहीं किया गया, बट लापरवाही अस्पताल की 4 घंटे ऑक्सीजन लगा के ऑक्सीजन आप हटा दो, परिवारजन गिर जाते रहे बताते रहे परिवार परिवारजन की ये परमवीर चक्र क्या है, खुद सेना के आया है फिर भी उनकी ना सुनी जाए, ये मैं समझता हूँ लाज का विषय है और बहुत ही देश के लिए बड़ी शर्मनाक बात है कि इतना बड़ा शहीद इतना बड़ा योद्धा अगर उनकी आत्मा हम नहीं जानते कि आत्मा कहाँ जाती है और उसे सब पता लग पाता है कि इनके पीछे क्या हो रहा है जी। लेकिन इसी तौर पर हम सब महसूस कर सकते हैं इस बात का कष्ट कि देश के लिए जान गंवाने वाले और इतनी बड़ी अचीवमेंट करके अपने योद्धापन को दिखाकर अपनी वीरता को दिखाकर और अपने शत्रु का नाश करने वाले ऐसे व्यक्ति के बेटे को ऑक्सीजन के लिए तड़पना पड़ेगा, ये बहुत दुखद बात है और इसको ध्यानपूर्वक देखा जाना चाहिए। इसको राजनीति नहीं समझनी चाहिए, भाजपा कांग्रेस नहीं है, ये देश के लिए मरने वालों की संतानों का सवाल है जी। जी चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो हमारे साथ एवन टीवी के चैनल हेड अनिल जी जुड़े हुए थे और बता रहे थे कि अब्दुल हमीद कौन है, उनकी देश में उन्होंने किस तरीके से योगदान दिया, 1965 के युद्ध में किस तरीके से उन्होंने दुश्मनों की कहना चाहिए कि छक्के छोड़ा दिए थे उस समय, और आज उनके बेटे की मौत हो गई है।